28 अगस्त ये वो तारीख है जिसका दुनिया के दो देशों के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महज दो दिन बाद भारत पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में जब भिड़ेंगी तो दोनों देशों के दिलों की धड़कनें एक बार फिर बढ़ जाएंगी। इस महामुकाबले का इस कदर क्रेज है कि इस मैच की सभी टिकटें सिर्फ 3 घंटे में ही बिक गईं। इससे पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली और बाबर आजम की एक तस्वीर सामने आई जिसमें विराट बाबर से हाथ मिलाते और हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। भारत पाक के बीच पिछले मुकाबले में भी कोहली ने 10 विकेट से हार के बाद मुस्कुराते हुए बाबर को बधाई दी थी। भारत पाक मैच हमेशा एक जंग की तरह देखे जाते हैं। आज से एक दशक पहले भारत पाक के बीच मुकाबले बेहद तनाव भरे होते थे। मैदान के अंदर खिलाड़ियों का आक्रामक और गुस्सैल अंदाज नजर आता था, लेकिन अब दोनों ही देशों के खिलाड़ियों का एटीट्यूड काफी बदल गया है। पुराने क्रिकेट और नए क्रिकेट में काफी फर्क आ गया है। आइए आपको ऐसे ही कुछ किस्से बताते हैं जब क्रिकेट के मैदान पर दोनों देशों के खिलाड़ियों ने अपने तेवर दिखाए थे। इंडियन क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ को जेंटलमैन भी कहा जाता है। ऐसे बहुत कम मौके हैं जब उन्हें गुस्सा होते हुए देखा गया है। ऐसा ही एक किस्सा भारत पाकिस्तान के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का है। सीरीज के आखिरी मैच में राहुल पाकिस्तानी पेसर शुएब अख्तर पर भड़क गए थे। इस किस्से को खुद शुएब अख्तर ने शेयर किया। उन्होंने बताया कि मैंने पहली बार क्रिकेट के जेंटलमैन को ऐसा करते देखा था। हम उस मैच को जीतने के काफ़ी करीब थे और राहुल द्रविड़ मेरे पास आए। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी तरफ दौड़ो और मैं अपनी तरफ दौड़ूंगा। इस पर राहुल काफ़ी नाराज़ हो गए थे। ऐसा ही एक किस्सा 1992 वर्ल्ड कप से जुड़ा है। सिडनी में दोनों टीमों के बीच मैच खेला जा रहा था। पाक टारगेट का पीछा कर रहा था और क्रीज पर थे जावेद मियादाद। दरअसल मियादाद पीठ दर्द के बावजूद बैटिंग कर रहे थे। ये बात भारत के विकेटकीपर किरण मोरे को मालूम थी, इसलिए मियादाद को उकसाने के लिए वो लगातार अंपायर से LBW की अपील कर रहे थे। इसके साथ ही मोरे विकेट के पीछे से उन पर कमेंट कर रहे थे। तब मियादाद ने गुस्से पर पिच पर कूदना शुरू कर दिया। असल में जावेद मियादाद इस तरह से कूदकर अपने फिट होने का संकेत दे रहे थे। 1996 वर्ल्ड कप के बीच वेंकटेश और सोहेल के बीच हुए इस किस्से की यादें अब भी क्रिकेट लवर्स के जहन में ताज़ा हैं। बेंगलुरु में खेले जा रहे इस मुकाबले में सोहेल पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। पाक लक्ष्य का पीछा कर रही थी और क्रीज पर थे कप्तान सोहेल। वेंकटेश जब गेंदबाजी करने आए तो सोहेल ने चौका जड़ा। उन्होंने वेंकटेश की ओर इशारा किया और कहा फिर से वहीं पर गेंद को मारेंगे, लेकिन वेंकटेश ने अगली ही गेंद पर सोहेल को बोल्ड कर दिया। तब वेंकटेश ने उसी अंदाज में उन्हें मैदान से बाहर जाने का इशारा किया था। 2004 में भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। इस दौरान सहवाग जबरदस्त फॉर्म में थे। उन्होंने पहले ही टेस्ट में 13 शतक जड़ा था, लेकिन इस दौरान शुएब अख्तर लगातार बाउंसर फेंक कर उन्हें परेशान कर रहे थे। सहवाग शुएब की बाउंसर के जवाब में हर बार डक कर रहे थे। तब अख्तर ने उन्हें उकसाते हुए कहा था कि मैं इतनी बाउंसर फेंक रहा हूँ, कम से कम एक पुल शॉट मार कर दिखाओ। सहवाग ने तुरंत कहा, तुम बॉलिंग कर रहे हो या भीख मांग रहे हो? यही बाउंसर सचिन को फेंकने की कोशिश करना। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootr.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे WhatsApp नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।